टीचर के लिए बहुत जरूरी है कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच हो उसका। कितने टीचर हैं जो स्टूडेंट्स के परिवार को जानते हैं, कभी परिवार को मिले हैं, कभी उनसे पूछा कि भाई घर आके क्या करता है, कैसा करता है, आपको क्या लगता है, और कभी ये बताया कि देखिए भाई मेरे क्लास में आपका बच्चा आता है, इसमें ये बहुत बढ़िया ताकत है जी, आप थोड़ा इसको घर में भी जरा देखिए, बहुत आगे निकल जाएगा। मैं तो हुई हूं टीचर के नाते, मैं कोई कमी नहीं रखू, लेकिन आप थोड़ी मेरी मदद कीजिए। तो उन घर के लोगों के अंदर भी एक सपना बो करके आप आ जाते हैं और वो आपके सहयात्री बन जाते हैं, फिर घर भी अपने आप में एक पाठशाला संस्कार की बन जाती है। जो सपने आप क्लासरूम में बोते हैं वो सपने उस घर के अंदर फुलवाड़ी बन करके, और इसलिए क्या हमारी कोशिश है क्या? और आपने देखा होगा कि एकाध स्टूडेंट आपको बड़ा ही परेशान करने वाला दिखता है, ऐसा ही है, समय खराब कर देता है, क्लास में आते ही पहली नजर वहीं जाती है तो आधा दिमाग वहीं खराब हो जाता है। टीचर, मैं आपके भीतर से बोल रहा हूं और वो भी ऐसा होता है कि पहली बेंच पे ही बैठेगा उसको भी लगता है कि ये टीचर मुझे पसंद नहीं करते हैं तो पहले सामने आएगा वो और आपका आधा समय वो ही खा जाता है। ऐसे में उन बाकी बच्चों को अन्याय हो जाए, कारण क्या है? मेरी पसंद नापसंद। सफल टीचर वो होता है जिसकी बच्चों के संबंध में, स्टूडेंट्स के संबंध में न कोई पसंद होती है न कोई नापसंद होती है, उसके लिए वो सब के सब बराबर होते हैं। मैंने ऐसे टीचर देखे हैं कि जिनका अपना संतान भी उसी क्लासरूम में है, लेकिन वे टीचर क्लासरूम में खुद के संतान को भी वही ट्रीटमेंट देते हैं जो सब स्टूडेंट्स को देते हैं। अगर चार लोगों को पूछना है, उसकी बारी आई तो उसको पूछते हैं, स्पेशली उसको कभी नहीं कहते कि तुम ये बताओ, तुम ये करो, कभी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उसको एक अच्छे माँ की जरूरत है, अच्छे पिता की जरूरत है, लेकिन अच्छे टीचर की भी जरूरत है। तो वो भी कोशिश करते हैं कि घर में मैं माँ बाप का रोल पूरा करूंगा, लेकिन क्लास में तो मुझे उसको टीचर स्टूडेंट का ही मेरा नाता रहना चाहिए, वो घर वाला रिश्ता यहां आना नहीं चाहिए। ये टीचर का बहुत बड़ा त्याग होता है, तब संभव होता है जी।